ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय महादेव। महाकाल आपकी रक्षा करें, महादेव का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। महादेव के आशीर्वाद से आपका भाग्योदय हो, जीवन में सुख संपत्ति सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। तुला राशि वालों, आज सोमवार का दिन 1 जून, बड़ी सफलता खुशखबरी पाने के लिए महादेव का दर्शन करें। महादेव का आशीर्वाद आपको भाग्यशाली बनाएगा, धन संपत्ति सुख का आप भोग करेंगे, जीवन में उन्नति और प्रगति होगी। तुला राशि वालों, आज शांत सुखी सुंदर जीवन आपका होगा। साथ ही साथ जीवन में आने वाली हर मुश्किल, हर परेशानी, हर बाधा को आज आप अपने हिम्मत, अपने साहस, अपने कर्म से परास्त करेंगे। आज उन्नति और प्रगति के लिए आपके द्वारा किया गया कोई भी काम आपको बहुत ज्यादा सफलता देगा, क्योंकि आज हस्त नक्षत्र और सिद्धि योग है। आज चंद्रमा, बुध, शुक्र और सूर्य का गोचर आपके भाग्य में बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। आज सुबह से ही दिन आपके लिए उन्नति भरा होगा, शुभ समाचार मिलेगा, अनेक सुखों का आप भोग करेंगे, आपके कर्म अच्छे होंगे, भाग्य प्रबल है। सिर्फ 7:07 से 8:51 तक का जो समय होगा सुबह में, इस दौरान आप किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, क्योंकि ये राहु काल है। राहु काल में आप कोई भी नया काम शुरू ना करें। आज आपके परिवार, आपके भाई बहन, माता पिता, सभी का लगाव आपके साथ बहुत सुखद होगा। साथ ही साथ पत्नी का प्रेम, प्रेमिका का प्रेम, रोमांस आपके जीवन के सुखों को बढ़ाएगा। आज आप संतुष्ट होंगे, संतुष्टि का एहसास होगा, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, पारिवारिक सुख, भाग्य और कर्म से अनेक सुखों का आप भोग करेंगे। आज आप भाग्यशाली बन रहे हैं। तुला राशि वालों, ग्रहों का शुभ गोचर, स्त्री और धन का सुख, साथ ही साथ आज आपका व्यापार, आपकी नौकरी, आपका पढ़ाई लिखाई, जीवन के हर मोड़ पर तरक्की और उन्नति होगी। आज का दिन शुभ है, ग्रहों का गोचर सुखद एहसास कराएगा। आज ये भाग्य में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आज ये अपने भाग्य से आप संपत्ति का भोग करेंगे, धन की प्राप्ति करेंगे, कोई नया काम शुरू करेंगे, जीवन से निराशा दूर होगी। आपका सकारात्मक विचार, आपका सकारात्मक कर्म जो आज आप करेंगे, कल की खुशी का निर्माण करेगा। आपका भाग्य और आपका भविष्य दोनों अच्छा दिखाई दे रहा है। भाग्य पर भरोसा रखें, कर्म पर विश्वास रखें, आत्मविश्वास के साथ मेहनत करें, आपकी मनोरथ सिद्ध होगी। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, उन्नति होगा, कर्म में विश्वास करना सीखें। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके जीवन में बड़ा सुंदर योग बन रहा है, जो आपको सफलता जरूर देगा। आज आप थोड़ा भी ना घबराएं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की निराशा आती है, किसी भी प्रकार का डर आता है, किसी भी बात को लेकर आप भयभीत हो जाते हैं, तो आप इन निराशा, इस डर, इस भय को अपने अंदर से दूर करें, क्योंकि आज महादेव का आशीर्वाद आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है, आपको भाग्यशाली बनाने वाला है। धन संपत्ति सुख सब कुछ आपको मिलेगा, बड़ी सफलता से मन में खुशी होगी। आज बुध और चंद्रमा आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। आप सिर्फ
मेहनत करते जाएं, कर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं, ईमानदारी से अपने कर्म को करते जाएं, आप देखेंगे आपका कर्म आपको इतना सुख देगा, इतना उन्नति देगा, इतना प्रगति कराएगा जो आप अभी तक सोचे भी नहीं हैं। कामयाबी से बस आप दो कदम दूर हैं। जैसे जैसे आप मेहनत करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी तरक्की होती चली जाएगी, परिवार में खुशियां बढ़ेगी और आप देखेंगे आपको सुखद परिणाम मिल रहा है। आज हस्त नक्षत्र में आप एक तरफ तो शत्रु का नाश करेंगे, आज आप अति बलशाली और महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं, क्योंकि आज सूर्य और बुध का योग, सूर्य और बुध का गोचर आपको सुख संपत्ति दे रहा है। साथ ही साथ आज का दिन महाभाग्यशाली दिन है। फिर भी अगर आपका मन किसी बात से चिंतित है, बार बार कोई बाधा आ रहा है, आपके काम में रुकावट आ रही है, तो आज आप सीधे महादेव का दर्शन करें। कम से कम ओम नमः शिवाय एक बार भी बोलें। आपकी सारी बाधा, सारी समस्या का हल यहीं से निकलेगा। महादेव, देवों के देव, आपको खुशी, सौभाग्य और धन प्रदान करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आज आपकी साहस, आज आपका पराक्रम आपके भाग्य का उदय करेगा। आज कुछ नया करने की तमन्ना आपके मन में जागृत होगी। अगर कुछ ऐसा आपके मन में होता है तो आप अपनी इच्छा को न दाबें, उस नए काम की शुरुआत करें, व्यापार हो, नौकरी हो या पढ़ाई हो। आपका कर्म आपके मनोबल को बढ़ाएगा, क्योंकि आज ग्रहों की दशा आपके लिए सुंदर भविष्य का निर्माण कर रहा है। ये जीवन का सुनहरा मौका है। ऐसे ही समय में इंसान का मनोरथ सिद्ध होता है। आप अपने आत्मविश्वास के साथ काम करते जाएं, क्योंकि आज ग्रहों की दशा आपके जीवन में बड़ा सुंदर योग बनाया है। ऐसे योग में ही इंसान जमीन से आसमान को छू लेता है। ऐसे योग में ही इंसान किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करके अपने लिए सुख और समृद्धि जुटाता है। ऐसे ही ग्रहों का शुभ योग आपको उन्नति और प्रगति देता है। सिर्फ धैर्य से काम लें, हिम्मत से काम लें, आज सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तुला राशि वालों, लोग कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। बस आप न रुकें, न झुकें, न डरें। अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने मेहनत को अपना भगवान बनाएं। सफलता और कामयाबी, सौभाग्य और धन, सुख और संपत्ति, सब कुछ आपको मिलेगा। तुला राशि वालों, आज आपके मन में खुशी जागृत होगी। भाग्य में उन्नति और प्रगति, मन में खुशी जीवन में खुशहाली को बढ़ाएगा। साथ ही साथ आज आपका आकर्षण बढ़ेगा। प्रेमिका के साथ, पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ आपका समय रोमांस से भरा होगा। प्यार, सुख, समृद्धि, सब कुछ मिलेगा। बेहतर परिणाम, सुखद स्थिति का निर्माण होगा। सिर्फ आप मेहनत करते जाएं, आपके जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ता चला जाएगा। आज आपके जीवन में सुख और शांति दोनों मिलेगी। पैसों की समस्या का समाधान होगा। अच्छे समाचार मिलेंगे। पारिवारिक सुख से आपके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत होगा। आज परिवार का साथ आपको मिलेगा।
अचानक कामयाबी, उपलब्धि, तो आज आपके जीवन में सफलता का चांस बहुत ज्यादा बन रहा है। सिर्फ आज आप किसी से कोई विवाद ना करें, किसी का अपमान ना करें, किसी के काम में हस्तक्षेप ना करें। आज का दिन अपने काम पर फोकस करें। उन्नति और प्रगति, सुख के साधन, संपत्ति, सब कुछ आपका बढ़ेगा। तुला राशि वालों, आज नकारात्मक विचार से आप दूर रहें। अगर कोई आपके सामने कोई निगेटिव बात बोलता है या आपके मन के अंदर कुछ निगेटिव बात आती है, आप तुरंत उसे बाहर करें। ऐसे लोगों से कोई नाता ना रखें जो निगेटिविटी की बात करता है, क्योंकि निराशा की भावना इंसान को अंधकार में ले जाती है। आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव काम करें, पॉजिटिव विचार से आप आगे बढ़ें, आपका प्रयास सफल होगा। आपके जीवन से समस्याओं का समाधान होगा। आप आकर्षक व्यक्तित्व और सर्वगुण संपन्न आज होंगे। धर्म कर्म में रुचि रखेंगे। साथ ही साथ आज का दिन कोई निर्णय आप सोच समझकर अपने बुद्धि का उपयोग करके लें, क्योंकि आज शुक्र का प्रभाव आप पर प्रबल है। आज आपके मन में सुख की लालसा जागृत होगी, क्योंकि शुक्र ग्रह आज आपके जीवन में उन्नति का कारक बन रहा है। शुक्र के गोचर से ही आज आपके जीवन में बड़ी सफलता, बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आज आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसा निर्णय लेते हैं। आपके मन के अंदर निगेटिव बात चल रही है या पॉजिटिव चल रही है? आप आलस करना चाहते हैं या कर्म करना चाहते हैं? आज अपने भाग्य को खुद आप अपने हाथों से बना सकते हैं। अगर आज निंद्रा, आलस करेंगे तो आपका विकास नहीं होगा, आपकी उन्नति नहीं होगी। इसलिए आज आप परिश्रम करें, पसीना बहाएं, मेहनत करें, फिर देखें आपके जीवन में कितना सुख, कितना उन्नति लिखा हुआ है। तुला राशि वालों, क्योंकि आज आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, आज ग्रहों का गोचर आपकी कुंडली में शुभयोग बना रहा है। बुध, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा, उसके ऊपर राहु की दृष्टि, धनवान और शक्तिशाली योग, आज आप लोकप्रिय होंगे। आज किसी को भी आप अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। आज आपके मन से घबराहट दूर होगी और इसी ग्रहों की शुभ दशा में आपका भाग्य का उदय होगा। आज मेहनत करें तो परिणाम आपके लिए सुखद और सुंदर होगा। आज आपके मन में प्यार की एक नई शुरुआत हो सकती है। पारिवारिक जिम्मेवारी बढ़ेगी। आज समय आपका अच्छा है। आज अपने बुद्धि, अपने विद्या के बल पर, अपने मेहनत के बल पर आप जीवन के हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, धन भी कमाएंगे, खुद आपका जीवन भी सुख शांति से बीतेगा और परिवार में भी खुशहाली बढ़ेगी। तुला राशि वालों, आज आप किसी के सामने ना तो झुकेंगे ना हार मानेंगे, क्योंकि आज आपका पराक्रम बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। आज ग्रहों की शुभ दशा आपको बहुत ज्यादा उन्नति और प्रगति करा रहा है। कार्य सिद्धि के लिए आज आप जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता का सौभाग्य मिलेगा। आप मेहनत करते जाएं, भाग्य अपने आप आपको लाभ और फायदा देता चला जाएगा। तुला राशि वालों, आज महादेव का दर्शन, महादेव का पूजा किसी भी कठिन परिस्थिति में आपको उन्नति और प्रगति कराएगा। आज आपका छवि बहुत मनमोहक होगा। आज
तरक्की से आपको खुशी मिलेगी, साथ ही साथ आपका वैभवशाली सद्गुण संपन्न स्वभाव, सुखी जीवन, सुंदर शरीर, स्वस्थ शरीर, आज हर तरफ उन्नति और प्रगति का योग बन रहा है। तुला राशि वालों, आप अपने महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें, अपने बुद्धिमान और साहसी निर्णय को जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग करें। आज आपका जीवन सुखी और आनंद प्राप्त करने वाला होगा। आज आप कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करेंगे। विजय भवा, ये हम नहीं महादेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आज आप बहुत भाग्यशाली हैं। जीवन में अचानक सुख और धन की प्राप्ति आप कर सकते हैं। आज बुध और चंद्रमा आपके जीवन में शुभ फल की प्राप्ति में आपका सहायक करेगा। वहीं शुक्र सुख और संपत्ति को बढ़ाएगा। दूसरी तरफ सूर्य और केतु आपको वैभवशाली और पराक्रमी बढ़ाएगा। निरंतर जीवन में आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो तुला राशि वालों, सभी सुखों का भोग करने के लिए आप मेहनत करें। आज आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन बहुत सुंदर होगा। जीवन साथी से आप संतुष्ट होंगे, खुश रहेंगे, आपका जीवन सुखमय होगा। सिर्फ आज आप अपने आत्मविश्वास का परिचय दें, अपने हिम्मत, अपने मेहनत से अपने भाग्य में धन संपत्ति सुख कमाएं। आज बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। तुला राशि वालों, राशिफल जानने के बाद कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम अवश्य लिखें। ऐसा करने से आपके जीवन में शुभ योग बनेगा, उन्नति और प्रगति मिलेगी, मन में शांति खुशी होगी, आप धन कमाएंगे, परिवार की उन्नति और प्रगति होगी। तुला राशि वालों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए आपका राशिफल लेकर आते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय महादेव। ओम।